हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। आइए आज देखते हैं समय तथा कार के अगले प्रश्नों की। आज जो कि समय तथा कार का लास्ट क्लास है, आज के बाद कल से हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है कि ए बी सी एक कार को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें जो दिया है कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी जो कि 60 दिन में कार्य को करता है। तो इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम लेते 60 आ जाएगा। तो 20 दिन का 60, 30 दिन का 60, 60 एकम 60। तो जो कि ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कि ए जो है कि लगातार कार्य कर रहा है, ए लगातार कार्य कर रहा है और बी और सी हर तीसरे दिन आकर सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो ए जो है कि लगातार कार्य कर रहा है 3 के क्षमता से 3 दिन तक, तो 9 हो गया। ए 9 कार्य कर ले रहा है, जबकि बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 2 और सी कर रहा है 1। तो 9 3 9 2 11 1 12, तीन दिन में जो है कि 12 कार्य समाप्त हो जा रहा है। तो तीन दिन में 12 काम हो रहा है, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो हमें काम कितना कराना है दोस्तों, तो 60 कार्य कराना है। तो जो कि इधर हम लोग अगर 5 का गुणांक कर देते हैं और इधर भी 5 का गुणांक, तो इधर कितना हो जा रहा है 15 दिन तथा इधर कितना हो जा रहा है 60। तो 15 दिन में भी जो 60 कार्य समाप्त हो जा रहे हैं दोस्तों, तो यही इसका आंसर है कि 15 दिन में जो कि 60 कार्य समाप्त हो गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, आप लोग का बी ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो कि ए लगातार कार्य कर रहा है 3 दिन तक, हर तीसरे दिन जो है कि बी और सी सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो 3 दिन में तो 9 कार्य समाप्त कर रहा है अकेले, जो है कि ए और बी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है, कि तीनों की क्षमता जोड़ दिए 9 3 9 2 11 1 12। तो 3 दिन में जो कि 12 कार्य समाप्त हो रहा है, 5 के गुणांक के हैं, तो 15 दिन में जो कि 60 कार्य समाप्त। तो आइए दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो ए 10 दिन कर रहा है, जो कि ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी कितने दिन में 20 दिन, सी कितने दिन कार्य कर रहा है 20 दिन। तीन तीनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो फिर आएगा 60, 10 10 6 60, 15 4 60, 20 3 60। तो जो है कि इसमें कह रहा है कि क्या बोला था कि जो कि हाँ, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया। तो ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, मतलब 9, 2 दिन तक कार्य किए सब, 18 कार्य दोनों ने समाप्त कर दिए ए और सी। इसमें से अगर हम लोग 18 कार्य घटा देते हैं तो कितना बचता है 42। और कह रहा है कि अब ए के स्थान पर जो है कि एक स्थान पर बी को लिया गया और सी साथ में लगा हुआ है, तो पूछ रहा है कि अब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो जो है कि
जो है कि सी बी बी प्लस सी, तो बी की क्षमता चार थी, सी की क्षमता तीन, तो इनकी क्षमता कितना हो गई सात। अब सात है तो बी सी के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो बी सी के द्वारा 42 कार्य को समाप्त किया जाएगा कितने दिन में, 7 × 42। तो बी सी ने कितने दिन में कार्य समाप्त कर लिया, बी सी ने 6 दिन में कार्य को समाप्त कर लिया। अब कुल कार्य बोला है तो 2 दिन पहले कार्य हुआ था, 6 दिन अब, तो कुल कार्य जो कि 2 + 6 = 8 दिन में, 8 दिन में जो कि कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो दिया था कि ए बी सी 10 दिन में ए, बी 15 दिन में सी, 20 दिन में तीनों का एलसीएम लिया 60, 10 × 60 6 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 3। अब बोल रहा था कि पहले 2 दिन कार्य ए और सी किए हैं, तो ए प्लस सी को लिए तो जो है कि सी ए का 6 है और सी का 3, तो 9 × 6 = 9, 2 दिन कार्य के तो 18 कार्य घटा दिए तो 42। अब इसको बी और सी कर रहे हैं तो इसका 4 है, इसका 3, तो 4 × 3 = 7, 7 के से भाग दिए तो 6 दिन। बोला तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य मतलब 2 दिन पहले कार्य हुआ था और दोनों में आए कितने, 8 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ए बी तथा सी ने तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि ए कार्य को 10 दिन, ए कार्य को 12 दिन, ए कार्य को 12 दिन, बी कार्य को 10 दिन, और ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिन में, 5 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 × 12 = 60, 6 × 2 = 60, 5 × 12 = 60। तो ए बी सी मिलकर इनकी क्षमता जो है कि 12 दिन, बी की क्षमता 6 दिन, ए की क्षमता 5 दिन है। तो इसमें पूछा है कि इसमें सी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा, तो जो है कि ए बी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 12। ए बी की क्षमता में पता है 5, ए की 6, बी की, तो 11 प्लस सी की ज्ञात करना, तो सी बराबर कितना आ गया, 1। तो सी की क्षमता 1 आ गई, तो सी से कार्य कराएंगे हम लोग तो 60/1, तो सी बराबर कितना आ गया, 60 डे जो कि आ गया, तो सी 60 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा, क्योंकि इसमें तीनों का दिया था 5 दिन में करते हैं, तो इसकी क्षमता ये 12, तो ए बी की क्षमता में पता है ए की 5 है, बी की 6 है, तो 11 घटा दिए तो सी की निकल आई 1, तो 1 से भाग दे दिए 60 में, तो 60 आ गया जो कि इसकी क्षमता है। ठीक है दोस्तों, जो कि 60 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो आइए दोस्तों एक और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए बी कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं, 8 दिन में, और बी प्लस सी 12 दिन में, फिर कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में कार्य को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, इसका हो गया 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 6 × 4 = 24,
तो इसमें पूछ रहा है कि ए और सी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। इसमें क्या पूछा है, ए तथा सी मिलकर इसे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई है कितना, चार, तो और जो कि ए बी की क्षमता कितना है, तीन, ए बी की क्षमता तीन है, तो सी की क्षमता कितना आ जाएगी, एक, और जो है कि सी का निकालना है, सी की क्षमता आ गई एक, और ए का निकालना है, तो ए का निकालना है, तो बी सी की क्षमता रख देंगे हम लोग दो, बी सी की क्षमता रख देते हैं यहाँ पर रख देंगे दो, तो ए की क्षमता आ जाएगी कितना, दो, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, दो, तो ए और सी की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस सी की क्षमता तीन हो गया, और जो है कि हमें काम कराना है 24, तो 24 कार कराएंगे तीन से, तो तीन से कटेंगे इसे कितना आ गया, आठ, तो ए प्लस सी मिलकर कार को आठ दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया था ए बी आठ दिन में, बी सी बारह दिन में, ए प्लस बी प्लस सी छः दिन में कार्य को कर रहे हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लिए जो है कि 24, तो इसका तीन आ गया, इसका दो, इसका चार, तो ए बी सी बराबर चार हो गया, इन सबका क्षमता, तो इसमें से ए बी का मान रख दिए, ए बी का मतलब, अच्छा ए बी का तीन रख दिए तो सी का एक निकल आया, और जो कि बी सी का दो रख दिए तो चार में से दो घटाए तो दो, ए और सी की क्षमता तीन आ गई, 24 में भाग दे दिए आठ, तो ये आठ दिन में कार्य को समाप्त कर ले हैं ए और सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल से अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।